Hello students, welcome in our social studies class. Today I am going to continue second chapter of economics, people as resource, and my today's topic is unemployment. Student, unemployment को समझने से पहले हम लोग कुछ बातों पर गौर करते हैं. पहले हम ये पता लगा लें कि employment या unemployment किस चीज से consider होता है, कैसे classify होता है. So if the work is done for earning, then this work is called economic work. And if the work is not done for earning, that work is called uneconomic work. So if a person wants the work for earning, he is willing to getting the job at the given wages, then this is called employment. And if he is not able to getting the job, अगर कोई व्यक्ति चाहता है वर्क करना given wages पर और उसे नहीं मिलता है वर्क, तो वो सिचुएशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है. यानी कि किसी को अनएम्प्लॉयड होने के लिए वर्क की इच्छा होनी चाहिए, वो विलिंग होना चाहिए काम में, राइट. चलिए इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. हैव अ लुक ऑन सकल स्टोरी. आपको याद होगी सकल की स्टोरी. सकल की फैमिली में कौन कौन था? फादर बूटा सिंह, मदर शीला, वन ब्रदर एंड सिस्टर जीतू एंड सीतू, एंड अंकल. दीज आर द फैमिली मेंबर ऑफ सकल. फादर एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क, वेयर एज मदर एंगेज इन डोमेस्टिक चोरस. शी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो इफ शी इज हैविंग सम स्पेयर टाइम, दैट दिस स्पेयर टाइम शी एंगेज इन द फील्ड वर्क विद हर हस्बैंड बूटा सिंह. जीतू एंड सीतू द एज दे आर बिलोंग्स टू बिलो 15 एज एंड अंकल, द अंकल इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब. सो हुज वर्क कंसिडर्ड अंडर इकोनॉमिक और हुज वर्क कंसिडर्ड अंडर अनइकोनॉमिक. हियर आई टोल्ड यू दैट मदर इज डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन और जीतू एंड सीतू आर बिलो 15 ईयर ऑफ एज. सो कैन यू टेल देम दैट दे आर अनएम्प्लॉयड? क्या आप ऐसा मानेंगे कि मदर और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड हैं? नहीं. मैंने अभी एक कंडीशन बताई है कि अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब कोई व्यक्ति चाहेगा काम करना और उसे काम नहीं मिलेगा, उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. यहाँ पर मदर शीला चाहती नहीं है कि वो कहीं बाहर इनकम के लिए वर्क करें, वो जो अपना वर्क कर रही है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है. तो हर महिलाएं जो घर के अंदर काम करती हैं, अपने परिवार की देखरेख करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, उनको लिकॉफ्टर करती हैं, तो ये सारा वर्क है अनएम्प्लॉयड वर्क और ये सिर्फ उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है. और अगर ऐसा ही कोई काम, खाना बनाना, साफ सफाई करना, कोई किसी दूसरे के घर में करता है, तो वो वर्क इकोनॉमिक वर्क कहलाएगा. अगर कोई चाहता है कि वो ऐसा वर्क करे और उसको बदले में इनकम हो, तो वो वर्क इकोनॉमिक वर्क कहलाएगा. तो यहाँ पर मदर जो है अनएम्प्लॉयड नहीं है, अंकल भी अनएम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि अंकल चाहते ही नहीं है वर्क करना. अगर ये अंकल चाहते, विलिंगली चाहते कि कुछ वेजेस पर इनको वर्क मिल जाए और उसके बाद इनको वर्क नहीं मिलता, देन द अंकल इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. अबाउट जीतू एंड सीतू, दे आर बिलो द एज ऑफ 15 इयर्स. इट मींस फॉर बीइंग द एम्प्लॉयमेंट, फॉर बीइंग द एम्प्लॉयड, देयर इज अ एज क्राइटेरिया ऑल्सो फिक्स्ड. It means
The persons have fallen between the 15 to 59 age group considered as in working population. काम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक एज फिक्स कर रखी है और अगर उससे कम के लोग काम करते हैं तो वो लीगली सही नहीं है. अगर 15 इयर्स से कम के बच्चे काम कर रहे हैं तो वो इलीगल माना जाता है. ठीक है, इकोनॉमिक वर्क कर रहे हैं तो 15 से 59 के बीच में जो लोग शामिल होते हैं कंट्री के उन्हें वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है. एंड ऑल द इनकम जनरेटेड बाय दिस कैटेगरी. अंकल इज फॉलन इन दिस कैटेगरी बट इज नॉट विलिंगली डू द जॉब टू द वर्क. सो इज ऑल्सो ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड. स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट इज अ गुड फैक्टर. इट इज अ गुड इंडिकेटर टू शो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. अगर हमें किसी कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटी का पता करना है तो एम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर हो सकता है. अगर किसी कंट्री में ज़्यादा पीपल ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है इसका मतलब वहाँ पर इनकम जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है, नेशनल इनकम अच्छी है. और अगर कंट्री की पॉपुलेशन कम इंगेज है इकोनॉमिक वर्क में तो इसका मतलब उनका पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम डिक्रीज है. और ये गुड इंडिकेटर नहीं है, ये शो नहीं करते हैं कंट्री का डेवलपमेंट या कंट्री का ग्रोथ. सो वी नो दैट द पॉपुलेशन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सेवरल स्ट्रक्चर एंड वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. दो तरह की पॉपुलेशन नेशन में रहती है, देश में रहती है और अकॉर्डिंग टू देयर जॉब अकॉर्डिंग टू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू एरिया दे आर कैटेगराइज अंडर रूरल एंड अर्बन. देयर वर्क सिस्टम इज डिफरेंट, देयर एरिया देयर लोकैलिटी एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो द अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट. इन रूरल एरियाज बेसिकली सीजनल and displeased unemployment found. Whereas in urban areas, educated unemployment found. Seasonal unemployment, if person is not getting the job for particular month in a year, then this kind of unemployment called seasonal unemployment. अगर कोई व्यक्ति साल के कुछ महीने में जॉब नहीं ले पाता है, उसको अर्निंग नहीं होती है, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. रूरल एरियाज में कॉमन है. वाई? बिकॉज द मेजर इकोनॉमी ऑफ रूरल एरिया इज एग्रीकल्चर. And in India, the agriculture is depend on monsoon. It means we are not receiving the rainfall throughout the year. And due to lack of irrigation, lack of water supply, only for few months we are able to cultivate the land. Only for few months the sowing, harvesting, this kind of work happened in the field. And the remaining time, these farmers are sitting vacant. So this kind of situation called seasonal unemployment. Now displeased unemployment. Displeased का मतलब होता है छिपा हुआ, hidden. The other name of displeased is hidden. Person having 2 hectares of field and there are 8 members in the family and the all 8 members are engaged in this particular field of land.
we remove 3% out of 8% and the production is not decreasing, it means the remaining 3 are displeased unemployed. अगर किसी व्यक्ति के पास फील्ड है 2 हेक्टेयर का और प्रोडक्शन जो है तब भी उतना ही हो रहा है जितना पहले 8 लोग लगे थे तब हो रहा था, और अगर 8 में से 3 को हटा दें 5 ही बचे और प्रोडक्शन में कोई चेंज ना आए, तो इस तरीके की सिचुएशन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर जानी जाती है। आमतौर पर इंडियन फार्मर्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजीली नजर आ जाता है। होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टर्म्स वेल। नाउ लेट्स मूव टू द अर्बन एरियाज। इन अर्बन एरियाज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। हाउ? इन अर्बन एरियाज एजुकेशन इज वेरी कॉमन इन द फैमिली। एजुकेशन लेना, एजुकेशन हासिल करना बहुत कॉमन हो चुका है, और ज़्यादातर जो लोग हैं अब वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या ऐसी हायर डिग्री लेकर के अगर उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो घर पे रहते हैं। अब ऐसे लोग जो इतनी हायर डिग्रीज के बाद में भी जॉब नहीं कर पाए उन्हें क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, एंड मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बेसिकली फाउंड इन अर्बन एरियाज। अंडरस्टूड? सो दीज आर द 2 kinds ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही ज़्यादा हो तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान है कि इससे वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। मैन पावर है हमारे पास, एबल है, कैपेबल है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रही है तो वे वेस्टेज ही तो होगा। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। अगर ह्यूमन एम्प्लॉयड नहीं होते हैं तो वो एसेट ना बन के क्या बन जाते हैं? दे आर टर्न इनटू लायबिलिटी फॉर द नेशन। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। और इस सिचुएशन की वजह से बेसिकली यूथ में होपलेसनेस आ जाती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। इन एबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अप्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। लोगों के पास पैसा नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, और ऐसा मैन पावर जो चाहता है काम करना और नहीं कर पाता, इसकी वजह से एक तरीके से बहुत बड़ा सोशल वेस्ट तैयार हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। होता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर बर्डन के तौर पर क्रिएट होने लग जाते हैं, डिपेंडेंसी इनकी बढ़ने लग जाती है वर्किंग पॉपुलेशन की तरफ। सो व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव ऑन अ बियर सब्सिस्टेंस लेवल देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। आमतौर पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पॉवर्टी आ जाती है फैमिली में, अगर समय पर पैसा नहीं मिलता, अर्निंग नहीं होती, अगर जॉब नहीं तो अर्निंग नहीं होगी, और अगर अर्निंग नहीं होगी तो स्कूल ड्रॉप आउट की जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होते चल जाएंगे। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। अगर हम देखें तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है, एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है अपनी पूरी इकोनॉमी के ऊपर। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, बेसिकली इट वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जो कि आसानी से एम्प्लॉयड हो सकता था। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर इन्हें गेनफुल रिसोर्स नहीं मिलता तो क्या बनेंगी? ये लायबिलिटी बनेंगी नेशन के लिए, एसेट तो नहीं बन पाएंगे, ह्यूमन फिर रिसोर्स नहीं कहलाएगी। इन केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। A large number of people represent with low income and productivity are counted as income and productivity are counted as employed. हमारे इंडिया में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिकली बहुत कम नोटिस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कम पैसे में भी
वर्क करने को एग्री हो जाते हैं। तो ऐसे लोग प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और इकोनॉमिकली कम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। साल भर काम कर रहे हैं लेकिन जितनी इनको इनकम हो रही है वो इनके लिए प्रॉपर एडिक्वेट मैनर में नहीं मिल रही है। सो द वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। तो जो वर्क इनके ऊपर दिख रहा है करते हुए ये एक तरह से फोर्स है, ये बर्डन है, क्योंकि इनको इनके काम के बदले में मेहनताना जितना ये अर्न कर सकते हैं वो नहीं मिल रहा। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल, दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। आमतौर पर जो गरीब लोग होते हैं वो खाली नहीं बैठ सकते, वो अपनी पोटेंशियल के अनुसार जो भी उनको वर्क मिलता है भले ही उसको उनको इनकम अच्छी ना मिले लेकिन वो कर लेते हैं। एंड देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। पर क्योंकि उनकी अर्निंग बहुत ही लो होती है तो वो अपना एक रेगुलर जो सब्सिस्टेंस लेवल है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाती। सो मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। सो देयर इज डिस्क्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हमने डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी कि ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सेम वर्क कर रहे हैं और इसीलिए ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट नज़र आता है। छिपे हुए बेरोजगारी है जो सामने से दिखाई भी नहीं देती, पता भी नहीं चलता कि लोगों के पास अर्निंग है भी या नहीं है। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क in the field and the produce raised reduces the hardship of unemployment in the rural sector, but this does not reduce the poverty of the family. Gradually surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. To aise situation mein kya hota hai, poverty to reduce nahi ho rahi hai, kaam to sab kar rahe hain. Aise cases mein normally ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स लगा हुआ है उसका किसी और वर्क में एंगेज होना ताकि इनकम जो है वो जनरेट हो सके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर मेंशन्ड अर्लियर। हमने पहले तीन सेक्टर की बात की थी, इकोनॉमिक सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। In recent years, there have been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of decreased unemployment. Discussed earlier, some of the surplus labor in agriculture have moved to either the secondary or the tertiary sector. Indian economy जो है primary sector economy मानी जाती थी, agricultural based economy मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ अब क्योंकि डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर में तो अब ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन कर रही है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपियरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। इन सबको समझने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी समझने की जरूरत है, पर स्टोरी हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।